दोस्तों आप सभी का स्वागत है कमल्स फूड लैब में, जहां पर हम बनाते हैं हेल्दी, इजी और टेस्टी रेसिपीज। दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं एक सुपर हेल्दी सूप की रेसिपी, जो अभी चल रहे कोविड पैंडेमिक में पेशेंट्स को उनके रिकवरी फेज में भी काम आएगा और ड्यूरिंग कोविड भी आप दे सकते हैं। इसके अलावा दूसरी बीमारियों में भी आप इसे दे सकते हैं, इससे बहुत अच्छी ताकत मिलती है। सहजन फली विटामिन सी में बहुत रिच होती है, तो सर्दी, खांसी और बुखार से हमें बचाती है। ब्लड को प्योर करने में भी इसका बहुत अच्छा रोल है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में कोई भी सूजन हो वो कम होती है। इसमें बहुत सारा कैल्शियम और फॉस्फोरस होने की वजह से हमारी हड्डियों के लिए भी ये बहुत अच्छी होती है। और इसमें एंटीबायोटिक एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है, जिसकी वजह से हमारे पेट के बहुत सारे इन्फेक्शन में ये हेल्प करती हैं, और बी कॉम्प्लेक्स बहुत सारा होने के कारण पाचन शक्ति भी बढ़ाती है। उसके अलावा हाई बीपी, डायबिटीज, वेट लॉस, किडनी की डिसीज, लिवर डिटॉक्सिफाई करने में, अस्थमा में और आंखों की बीमारियों में भी सहजन फली हमें मदद करती है। तो दोस्तों आपने देखा ना कितनी गुणकारी है ये सहजन फली, जो इतनी आसानी से हमारे आसपास मिल जाती है। तो हमें इसे रेगुलर खाना चाहिए, हमें बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स इनसे मिलते हैं। जब आप सूप बनाने के लिए सहजन फली को सिलेक्ट करें, तो इस तरह की मीडियम थिकनेस वाली सहजन फली सिलेक्ट करें। एकदम फ्रेश सहजन फली हमें लेनी है, और इस तरह से इसे करीब 2 इंच के टुकड़ों में हम इसे काट कर तैयार करेंगे, और जो इसके ऊपर इस तरह का मोटा मोटा रेशा है उसे हम निकालते जाएंगे। ये देखिए, इस तरह से बड़ी आसानी से जो ऊपर का थिक पार्ट है वो निकलता जाएगा। तो इस तरह से हम 2-2 इंच के पीसेस में इसे काट कर तैयार कर लेंगे। दोस्तों हम इसकी सब्जी बनाते हैं अलग अलग तरीकों से, जैसे बेसन में या आलू के साथ। लेकिन ये जो सूप है, ये आप रेगुलर अगर पीते हैं, किसी भी बीमारी में अगर किसी मरीज को देते हैं, तो इससे बहुत ताकत प्रदान होती है। और अगर आप इसे रेगुलर पीते हैं, तो आपको घुटनों की समस्या या बोन्स की कोई भी दूसरी तकलीफ कभी भी नहीं होगी, क्योंकि इसमें बहुत सारा कैल्शियम होता है। तो इसी तरह से सारी सहजन फली का मैं छोटे छोटे टुकड़े करके रेडी कर लूँगी। दोस्तों अगर आप सूप न बनाना चाहें, तो आप इसे खाली बॉईल कर लें, कुकर में 1 से 2 सीटी मार लें, और जिस पानी में आपने इसे बॉईल किया है उसे आप पी लें, और ये जो सहजन फली बॉईल्ड होती है उसे आप चूस लेंगे, तो भी आपको उतना ही बेनिफिट मिलेगा। सूप थोड़ा सा टेस्टी लगता है, इसलिए मैं आपको ये आसान से सूप की रेसिपी बता रही हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर सारी सहजन फली को इस तरह से मैंने पीसेस में कट करके कुकर में डाल दिया है। अब इसको और थोड़ा सा स्वादिष्ट बनाने के लिए मैं यहाँ पर एक बड़ा सा टमाटर इसमें रफली चॉप करके डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो टमाटर ऐड करिए, वरना आप बिना टमाटर के भी सूप को बना सकते हैं। कई बार जो सहजन फली का टेस्ट है वो हमारे घर में बच्चों को या किसी को नहीं पसंद होता है, तो इस तरह से अगर आप टमाटर डालकर बनाएंगे तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो थोड़ा सा नमक मैंने डाल दिया है यहाँ पर, और करीब 2 कप पानी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे, और हम मीडियम आँच पर 3 सीटी लेकर इस कुकर को कुक कर लेंगे। कुकर ठंडा हो चुका है, तो अब हम ढक्कन खोलकर चेक कर लेते हैं। हमारी सहजन फली एकदम अच्छे से कुक हो गई है, मैं आपको दिखा देती हूँ। एकदम नरम हो जाती है ये देखिए, इस तरह से आप मैश करेंगे तो ये एकदम चपटी हो जाएगी। हमें एकदम सॉफ्ट होने तक इसे कुक करना है, क्योंकि अब हम इसमें ब्लेंडर चलाने वाले हैं। आप चाहें तो इसे मिक्सर में भी पीस सकते हैं, मैं यहाँ पर ब्लेंडर इसमें घुमाने वाली हूँ। और फिर इस तरह से सूप स्ट्रेनर मैंने ले लिया है यहाँ पर, और इससे हम इसे छान लेंगे, ताकि जो इसका फाइबरस पार्ट है वो अलग हो जाए। अच्छी तरह से दबाते हुए छानेंगे, ताकि जो पूरा इसका अंदर का गुदा है वो निकल जाए स्ट्रेनर में से। ये देखिए दोस्तों, सिर्फ जो फाइबर वाला हिस्सा है वो रह गया है, बाकी का पूरा नीचे आ गया है, तो इसे हम फेंक देंगे। और ये देखिए, इस सूप की कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है, हमें इसी तरह का मीडियम कंसिस्टेंसी का सूप चाहिए, न ज़्यादा पतला न ज़्यादा गाढ़ा। अगर आपका सूप थोड़ा गाढ़ा हो तो आप थोड़ा सा पानी इसमें डालकर एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन बहुत पतला ना बनाएं इसे। अब केवल 1 से 2 मिनट के लिए हम इसे गैस पर थोड़ा सा गर्म कर लेंगे और मसाले ऐड कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा भुना हुआ जीरे का पाउडर ऐड किया है, और थोड़ी हम काली मिर्च ऐड करेंगे यहाँ पर। ये सभी चीज़ें डालने से हमारा जो सूप है वो चटपटा तो हो ही जाएगा, साथ में ये सारी चीज़ें बहुत गुणकारी भी होती है और इम्यूनिटी बढ़ाने में हमारी मदद भी करती है, तो इसे आप ज़रूर ऐड करें सूप में। बस एक उबाल आने तक हमें इसे गर्म करना है। ये देखिए, एक उबाल आ चुका है, तो अब हम गैस को बंद कर देंगे। और यहाँ पर मैंने कुछ फ्रेश पुदीना के पत्ते लिए हैं, वो मैं इसमें इस तरह से हाथों से ही तोड़कर ऐड कर रही हूँ।
दोस्तों ये ऑप्शनल है, लेकिन ये पुदीना के पत्ते डालने से इस सूप का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। आप इसे जरूर ट्राई करके देखें। और थोड़ा सा नींबू का रस निचोड़ देंगे और फिर गर्मा गर्म हम एकदम गुणकारी इस सहजन फली के सूप को सर्व करेंगे। दोस्तों दिख रहा है ना, एकदम लाजवाब। आप भी जरूर ट्राई करिएगा इस एकदम हेल्दी से सूप की रेसिपी को और अपने फीडबैक्स मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा। ऐसे ही नई नई और इंटरेस्टिंग रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन भी दबा दें ताकि नई रेसिपीज के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।